नमस्कार, मैं हूं अमीन बेग और आप देख रहे हैं साधना न्यूज। विष्णुदत्त शर्मा ने अपनी नई टीम का ऐलान कर दिया है और 90% नए चेहरों को इस टीम में शामिल किया गया है। जाहिर सी बात है कि जब से प्रदेश अध्यक्ष बने हैं वीडी शर्मा, सब कुछ उनके हिसाब से ही घट रहा है। पहले चाहे कमलनाथ का तख्ता पलट हो, फिर उपचुनाव में जीत हो और लगातार कांग्रेसी विधायकों का टूटकर बीजेपी में आना हो, लेकिन इस नई टीम में कांग्रेस से आए ज्योतिरादित्य सिंधिया को खेमे को तवज्जो नहीं मिली है। सिर्फ एक अगर पूर्व विधायक को छोड़ दिया जाए तो किसी भी सिंधिया समर्थक नेता को इस टीम में जगह नहीं मिली है। देखिए हमारी ये खास पेशकश। आखिरकार वीडी शर्मा ने नई कार्यकारिणी का ऐलान कर दिया। टीम वीडी की इस नई टीम में 7 मोर्चा अध्यक्ष, 12 उपाध्यक्ष, 12 मंत्री और कोषाध्यक्ष नियुक्त किए गए। कार्यकारिणी में लगभग 90% नए चेहरे को मौका दिया गया है। टीम के ऐलान के बाद वीडी शर्मा प्रदेश कार्यालय पहुंचे और नवनियुक्त पदाधिकारियों को बधाई दी और ये संदेश भी दिया कि ये पद नहीं बल्कि दायित्व है, इसका निर्वहन सबको करना है। हम ठीक तरीके से चीजों को कर पाए इसलिए एक अच्छे योग्य हमारे कार्यकर्ता जो पहले हमारे आर्थिक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष थे, अब वो उसके कोषाध्यक्ष हमारे मध्य प्रदेश भाजपा के बने हैं, अनिल जैन कालू एड़ा बहुत वरिष्ठ कार्यकर्ता है हमारे, जिलाध्यक्ष रहे हैं और इस दिशा में पारंगत हैं, उनको भी सह कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी है, तो ये भी एक बड़ा हिस्सा है और हम लोग जिलों में भी प्रयास कर रहे हैं। सरकार की तरह संगठन में भी उम्मीद की जा रही कि सिंधिया खेमे को मौका मिलेगा, लेकिन भरत सिंह कुशवाहा के अलावा किसी भी सिंधिया समर्थक को संगठन में जगह नहीं दी गई। हालांकि जब ये सवाल वीडी शर्मा से किया गया तो इस सवाल से बचते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि बीजेपी में सभी लोग पार्टी के कार्यकर्ता होते हैं, कौन सा कार्यकर्ता कहां उपयोगी है इसका ध्यान रखा जाता है। ये पद्धति पर चलने वाला दल है इसलिए हम सब कार्यकर्ता हैं, हर कार्यकर्ता किसी न किसी काम के लिए, इसलिए हमारे यहाँ पद्धति में कहते हैं प्रत्येक कार्यकर्ता के लिए काम और प्रत्येक काम के लिए कार्यकर्ता, बड़ी श्रृंखला है ये, इसलिए सबको कोई न कोई काम रहता है और सब इससे सहमत होते हैं। बीजेपी में सिंधिया समर्थकों को तवज्जो ना मिले तो भला कांग्रेस कैसे चुप रह सकती है। कांग्रेस ने वीडी शर्मा की तारीफ करते हुए कहा, अच्छा हुआ वीडी शर्मा ने संगठन को मिलावट से दूर रखा। देखिए मुझे खुशी है कि बीडी शर्मा जी ने जो कार्यकारिणी घोषित की है उसमें सभी वो लोग हैं जो भाजपा के खाटी लोग हैं, जो कर्मठ लोग हैं, पुराने लोग हैं, कम से कम उन्होंने मिलावट को दूर रखा है, ये अच्छी बात है, कम से कम मिलावट को कहीं तो भाजपा ने दूर रखा। खैर, अध्यक्ष बनने के बाद अब तक बीडी शर्मा का कार्यकाल शानदार रहा, चाहे कमलनाथ का तख्ता पलट हो, कांग्रेसी विधायकों का टूट कर बीजेपी में आने का हो या फिर उपचुनाव में जीत का हो। अपनी इस नई टीम के जरिए वीडी शर्मा नगरी निकाय चुनाव में भी डंका बजाने की कोशिश करना चाहेंगे, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जिन वसूलों को बचाने के लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस का हाथ छोड़ दिया, प्रदेश में बीजेपी की वापसी कराई, अपने समर्थक विधायकों को मंत्री बनवाया, वो संगठन में अपने खेमे को जगह क्यों नहीं दिलवा पाए। ब्यूरो रिपोर्ट, साधना न्यूज, भोपाल। तो बिल्कुल, पीडी शर्मा की नई टीम का ऐलान और ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थकों को दूर से ही सलाम। लगातार हम देख भी रहे थे कि जब सवाल बीडी शर्मा से किया जाता था कि किस तरह के चेहरों को वो इसमें शामिल करेंगे, तो उनका ये कहना था कि आप देखिए जब टीम आएगी तो तमाम चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। पहली बार ऐसा हो रहा है बहुत समय बाद कि जब 90% तक किसी संगठन में टीम का इतना जो बड़ा बदलाव किया गया, इससे पहले भी चाहे वो नंदकुमार चौहान के ज़माने में टीम का बदलाव किया गया तो लगभग 60-70% चेहरे वही रहते थे, इससे बदलाव किया जाता था, लेकिन जो बीडी शर्मा ने अपनी नई टीम का ऐलान किया है उसमें 90% के आसपास बड़े बदलाव किए गए हैं। मगर जो सवाल किए जा रहे थे बार बार कि सत्ता में जो जगह सिंधिया को मिली है, खासतौर पर कैबिनेट में जो जगह सिंधिया को मिली है, क्या संगठन में भी वो जगह मिल पाएगी। बहरहाल हमारे इस खास प्रोग्राम की शुरुआत करें उससे पहले दो खास मेहमान जो हमारे साथ इस समय सीधे जुड़ रहे हैं उनसे आपका तारुफ करा देते हैं। सुमित ओरछा जी हैं बीजेपी से और कांग्रेस से हैं ब्रजेश पांडे जी, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल सुमित जी आपसे, टीम का ऐलान हो गया, 90% तक
चेहरे बदल दिए गए हैं, नई टीम दिखाई दे रही है। सबसे पहले रिएक्शन जानना चाहेंगे कि इस टीम को देखकर क्या कहेंगे आप? एक परिवार की पार्टी नहीं है, परिवार ही पार्टी है जी। और परिवार में ये सतत प्रयास होता है, नई पीढ़ी आती रहती है। जो आज युवा है वो कल पिता बनता है, फिर दादाजी बनता है, और ये प्रक्रिया चलती रहती है। आज भारतीय जनता पार्टी में इसी प्रक्रिया के तहत जो हमारी नए पीढ़ी है उसको पार्टी ने फ्रंट लाइन पर ला करके खड़ा किया है, और ये पहली बार नहीं हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी में ये कार्य पद्धति का हिस्सा है, नित नवीन नया नेतृत्व खड़ा हो पार्टी के अंदर समाज की सेवा के लिए, राष्ट्र की सेवा के लिए जी। ये सब प्रक्रिया इसे करते रहते हैं। लेकिन सुमित जी, सरकार में तो सिंधिया को जगह मिल गई, उनके समर्थकों को जगह मिल गई, संगठन में सर क्यों दूर रखा आपने, क्यों दूर से सलाम किया उनको? जितने लोगों की कार्यकारिणी बनी है ये सारे लोग सिंधिया जी के ही गुट से हैं, और सिंधिया जी के गुट का नाम अगर आपकी जानकारी में नहीं है तो सुन लीजिएगा, सिंधिया जी के गुट का नाम है भारतीय जनता पार्टी। इसलिए 100% चेहरे जो भी नई कार्यकारिणी में बने हैं वो सिंधिया जी के गुट से ही आए हैं। ठीक है, ये बात मानी जा सकती है सर, लेकिन जिन उसूलों को लेकर सिंधिया ने कांग्रेस का साथ छोड़ दिया, ये बात आपको मानी जा सकती नहीं, माननी ही पड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी में गुटगुटिया के आधार पर कोई गुटबाजी नहीं होगी, यह कार्यकर्ताओं का संगठन है, यहाँ 100%। चलिए चलिए सुमित जी हमारे साथ ब्रजेश पांडे जी भी हैं, उनसे ही पूछ लेते हैं। ब्रजेश जी, आपकी सरकार को गिरा कर गए थे ज्योतिरादित्य सिंधिया, सरकार में तो तवज्जो मिली लेकिन संगठन में नहीं मिल पाई। देखिए अमीन जी, भारतीय जनता पार्टी के मेरे समस्या में जनता पार्टी के संगठन ने उत्तर महाराज को उनका दिया है कि आप किसके आए हो, जिसका उनकी गिनती के बाद शब्द का प्रयोग किया था कि विभीषण की आवश्यकता थी हमारी पार्टी को, तो बता दीजिए कि विभीषण ने चाहिए विभीषण को उत्तर दे दिया गया है। विभीषण ने कांग्रेस के गुट को तोड़ करके भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से लोकतंत्र की हत्या करके मध्य प्रदेश में पहले दिन अपनी सरकार बनाई, मैं समझता हूँ ये लोकतंत्र की सुस्ता की घातक था ही, और कानून के लिए भी और संवैधानिक व्यवस्थाओं के लिए बड़ा उपहास का विषय था। खैर, अब इस विषय पर मैं अच्छा विषय नहीं करूँगा क्योंकि अच्छा विषय दूसरा है, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा अमीन जी कि मध्य प्रदेश में जनता पार्टी ने भरत सिंह कुशवाहा, वो कोई सिंधिया जी से जुड़े हैं लेकिन डायरेक्ट रूप से वो शिवराज सिंह जी से और बी डी शर्मा जी से जुड़े हुए हैं। यद्यपि हमारे भाजपा मित्र अच्छी तरह से और बता सकेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उनको कद काठी के हिसाब से उनको सही अवकाश दिखा दिया। बिल्कुल, ये शब्द का तो बिल्कुल अब इस तरह के शब्दों का समर्थन नहीं करते। लेकिन ओरछा जी, भले ही आप कहें कि एक ही गुट है बीजेपी जिसमें सभी तमाम नेता शामिल होते हैं, लेकिन बाहर से जो सवाल खड़े हो रहे हैं कि अगर कोई पार्टी में आता है और वो आपकी सरकार को भी वापस लेकर आता है, आप विपक्ष में जा चुके होते हैं, आपकी सरकार बनाता है, तो ऐसे में उसको संगठन में लाकर आप और अपनी करीब कर सकते थे उसको, और ये कह सकते थे कि हमने आपको पूरी तरीके से स्वीकार कर लिया है। देखिए, हमने तो जो कहना था वो कह चुके हैं, और भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो भी कार्यकर्ता इस दौरान आए हैं वो अपने आप को समरस और सम्मानित महसूस कर रहे हैं जी। उनके अंदर आप ये देखते हैं, आप ये खोजने की कोशिश करते हैं कि वो इस गुट से आए हैं, इस कारण उनके साथ ऐसा है, इसलिए आपकी में ये दोष हो रहा है। वो जो लोग ओरछा जी ये मेरा आरोप नहीं है, देखिए आपको समझना होगा, ये कोई भेद नहीं, ये हमारा आरोप नहीं है, ये एक विपक्ष का, ये कांग्रेस का कहना है। आप ये बताइए जी, किसी के मानसिक दिवालियेपन के लिए क्या आप या हम जिम्मेदार हो सकते हैं? क्या किसी के मानसिक दिवालियेपन के लिए हमें अपने कार्य पद्धति को बदलना चाहिए? जो लोग अपना संगठन, जो सबसे बड़ी पार्टी भारत की हुआ करती थी, सबसे पुरानी पार्टी हुई करती थी, उस पार्टी से क्या हमें संगठन के गुर सीखने पड़ेंगे कि किसको कब क्या मनाना चाहिए? जो पार्टी 2 से 350 पर आ गई, उस पार्टी को कम से कम जो 450-400 से और 40 पर आ गई है, उस पार्टी से संगठन के गुर तो नहीं सीखने चाहिए। लेकिन सुमित जी, नहीं सीखने चाहिए तो भारतीय जनता पार्टी अपनी पद्धति पे काम करेगी। सुमित जी, अगर मैं गलत नहीं हूं तो
ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी तो इस नई टीम को लेकर अभी कोई बधाई ऐसा कोई ट्वीट नहीं किया या कोई ऐसा बयान नहीं आया उनका? देखिए सिंधिया जी सभी कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, नए पदाधिकारियों से मिलेंगे, उन्हें अपना आशीर्वाद देंगे, शुभकामनाएं देंगे, बधाई देंगे जी। सिंधिया जी का अपना समय होता है, अपना तरीका होता है, वो भोपाल आकर के सभी कार्यकर्ताओं को एक बार मिलेंगे भी और बधाई देंगे और उस उपरांत वो सबके सामने आएंगे। लेकिन आप ये सोचें कि तत्क्षण ये सब होना चाहिए, अभी आपने 15 नेता हमारे और क्यों नहीं देखे जिनकी तरफ से बधाई नहीं आई है जी। आप और भी तो लोग देख सकते हैं, हमारे सारे सांसदों के ट्विटर हैंडल चेक करिए, क्या सबने बधाई दी है? मैं जब से कार्यकारिणी की घोषणा हुई है मैं ओरछा में हूँ, मैं भी जाना करके बधाई दूंगा, 10 दिन बाद जाकर दूंगा भोपाल में, लेकिन दूंगा। तो ये तो नहीं है इसका मतलब कि मेरे मन में कोई क्षोभ आ गया फलाने के बनने से या किसी के ना बनने से। ये सब देखिए, ये इस तरह का अन्वेषण करने से करा कुछ हाथ आने वाला नहीं है सुमित जी। राजनीति में सर इसमें जाएगा, देखिए जब सर राजनीति में होते ना सर तो इस तरह के आरोप लगते हैं और सवाल भी खड़े होते हैं, तो वही सवाल आप तरह के आरोप लगाने के लिए जो लोग आगे आ रहे हैं उन्हें अपने दल के अंदर बात करनी चाहिए, क्या कह रहे थे उनके सम्मानित नेता गुलाम नबी आजाद से बात करनी चाहिए, उनके ट्वीट पढ़ने चाहिए, सिंधिया जी के ट्विटर को चेक करने के बजाय उनके ट्वीट पढ़े जाकर के। तो उनके अंदर पार्टी में क्या है, राशिद अलवी क्या कह रहे हैं उनको सुने, आप आचार्य प्रमोद कृष्णम भी क्या कह रहे हैं उनको भी सुने, तो इनके नेता जो कह रहे हैं उनको सुने, उनके ट्विटर चेक करें तो जाना अच्छा होगा। भारतीय जनता पार्टी के ट्विटर चेक करने से इनके हाथ कुछ आने वाला बिल्कुल नहीं बिल्कुल है। ब्रजेश पांडे जी भी हमारे साथ बने हुए हैं लगातार। ब्रजेश जी ठीक है, ये बीजेपी के अंदरूनी मसला है, लेकिन सर सवाल तो आपसे भी किया जा सकता है और सवाल खड़ा भी होता है कि आपकी नई टीम सर कब आएगी, क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा है कि कमलनाथ जी अध्यक्ष रहेंगे कि नहीं रहेंगे, किसको क्या जिम्मेदारी दी जाएगी, क्योंकि सरकार आने के बाद जिस तरीके से आपकी सरकार गई है उथल पुथल का दौर अभी तक जारी है। देखिए अमीन जी, अभी मध्य प्रदेश के अंदर माननीय श्री कमलनाथ जी के नेतृत्व में जो पीसीसी के अध्यक्ष है, मध्य प्रदेश में कार्यकारिणी विधिवत रूप से कार्य कर रही है, जिसको ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने मध्य प्रदेश के अंदर जो है कार्य करने का स्वायत्त अधिकार दे रखा है। मेरा सीधा सा कहना यह है, ये पूरा तरह से अध्यक्ष का प्रायोगेटिव है। मैंने आपसे पहले ही विनम्रतापूर्वक आग्रह किया अमीन जी, आप बड़े विद्वान पत्रकार हैं, आप जानते हैं, मैंने कहा कि यद्यपि भारतीय जनता पार्टी का अंदरूनी मामला है, लेकिन वास्तव में इससे भारतीय जनता पार्टी का मानसिक दिवालियापन सामने आया है। चाल चरित्र चेहरे की बात करने वाली सुनाई देने वाली पांडे जी, पांडे जी, पांडे जी, आपने कहा कि ये पार्टी का अंदरूनी मामला है, लेकिन आपके ही पार्टी के दूसरे नेता हैं सर जेपी धनोपिया, उन्होंने तो बधाई दी है बीजेपी को, कहा कि बहुत अच्छा किया कि मिलावट वाले जो लोग थे उनको संगठन से दूर रखा। ठीक है ना, धनोपिया साहब हमारे मुख्य है, हमारे साथ प्रवक्ता है, उनकी बात का मैं सम्मान करता हूँ। मैं अपनी बात कृपा पूर्वक पूरी कर लूँ तो आपको जी 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 कहिए कहिए अपनी बात कहिए। देखिए ऐसा है कि इस पूरे घटनाचक्र को आप जरा पलटा के देखिए, आज से 8-9 महीने पहले की जब कोरोना काल था, जिस तरह से शिवराज सिंह जी ने मध्य प्रदेश में सरकार बनाई कंस्परेंसी करके, ग्रुप को तोड़ करके, उनको लालच दे करके, उनको कुर्सी की राजी देगी, साहब आप आओगे तो आपको लोगों को हम संगठन में सत्ता में दोनों जगह पर अच्छी जगह पे समायोजित करेंगे। ऐसे बहुत अच्छा, ये थे क्या शामिल थे क्या जिस समय बातचीत हुई है? लालच सिंह, ये सारी चीजें मीडिया में आ चुकी है, आप कृपा पूर्वक मेरे बीच मत बोले उसे जी, मैं ऑफिस में नहीं बोल रहा हूँ, उस समय मीडिया में आ चुकी है। मुझे आप ऐसे सुना रहे हैं जैसे जो है राष्ट्र को जो है संजय आपको देखा हाल सुना रहे हैं। दूसरी बात आरएसएस तुम करे, आप पहले मेरी बात कर दो सुनिए, उसके बाद होता जी आपने सर को आज तक कभी जवाब दे। ठीक है पांडे, पांडे जी आप अपनी बात पूरी कर लीजिए, तो मैं सुमित जी मुस्कुरा रहे हैं, जाहिर सी बात है इसके बाद मैं उनसे पूछूंगा। देखिए ऐसा है कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी का भोपाल आगमन होता है, सिंधिया जी भोपाल में थे, आरएसएस प्रमुख से मिलने की कोशिश किया सिंधिया जी ने, लेकिन आरएसएस प्रमुख से उनसे मुलाकात कर। अरे सर फिर अभी आपने, अरे पांडे जी, पांडे जी अभी आपने कहा कि उनकी पार्टी का अंदरूनी मामला है सर, अपने ही या तो आप खुलकर कहिए, भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनता पार्टी जो है इन लोगों को अपनी, इनको बता दिया गया सिंधिया जी को कि आप सिर्फ आपकी आवश्यकता थी, हम आवश्यकता के अनुसार लोग इस्तेमाल करते हैं, जब आपको आवश्यकता थी हमने इस्तेमाल किया, आपकी सत्ता बना लिया, सत्ता की कुर्सी की लालसा हमको है, जनता से कोई हमारा कारोबार नहीं है, माफिया भरे मध्य नहीं, यही आरोप लोगों की हत्याएं हो, ये सारी चीजें भारतीय जनता पार्टी कर रही है, वही आज भी कर रही है। सर पांडे जी ये आरोप तो आपके ऊपर भी लगा कि आपने ज्योतिरादित्य सिंधिया का 18 के चुनाव में इस्तेमाल किया, ज्यादा विधायक लेकर आए लेकिन कुछ हाथ में नहीं दिया उनको,
इसलिए उनके उसूलों पर आज आई और बीजेपी में चले गए वो। जब कांग्रेस में थे तो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय महासचिव हुआ करते थे, मुख्यमंत्री तो नहीं बनाया था ना आपने, हुआ करते थे। नहीं, प्रियंका जी के साथ बराबर उनका चैम्बर था। मैं खुद ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस का राष्ट्रीय प्रवक्ता था, सिंधिया जी को मैं जानता हूँ, उनके पिताजी की तरह जानता हूँ मैं। कांग्रेस पार्टी में सुनिए, कांग्रेस पार्टी में सिंधिया जी की वो पांडे जी बहुत बड़ी हैसियत है। अगर सब कुछ अच्छा घट रहा था तो फिर उनके उसूलों पे आज क्यों आ गई? इनकी हैसियत बता दी अब भाजपा में आने। अरे भैया, जब पार्टी की हैसियत नहीं रही, पार्टी में हैसियत का कोई असर डालेगा क्या? देश की सबसे पुरानी पार्टी है और शहरी कांग्रेस पार्टी, इस बात का ध्यान रखिए, और सबसे लार्जेस्ट पार्टी। इसी की थाली बजाते रहो, सबसे पुरानी पार्टी है, अंग्रेजों ने बनाई थी, तो क्या अंग्रेजों के लिए ही काम करते रहोगे? भारत के लोगों के लिए काम करोगे? चलिए चलिए चलिए, ठीक है पांडे जी, गुमराह कर रहे हैं पांडे जी। कोरोना काल में लोगों की मखदूम के दिया आप लोगों ने, कोरोना काल का महसूस आ गई। ब्रजेश पांडे जी, मैं फिर से आपके पास आऊंगा सर, एक बार मैं सुमित ओरछा जी का रुख करना चाहूंगा। सुमित जी, ठीक है, सिंधिया जी के समर्थकों को जगह नहीं मिली या मिल सकती थी, ये इस पर आपने अपनी बात रख दी, लेकिन हमने देखा कि इससे पहले जब टीम का ऐलान किया गया था तो लगभग लगभग पुराने चेहरों को भी बड़े संख्या में शामिल किया गया या फिर उनको ट्रांसफर किया गया, लेकिन पूरी की पूरी टीम बदल डाली, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे सर आप? नित नए नूतन कार्यकर्ताओं को अवसर मिलना चाहिए। जो कार्यकर्ता हमारे थे उन्होंने अपनी उपयोगिता के माध्यम से समाज में एक वरिष्ठ छवि अपनी निर्मित की है और वो अन्य रूपों में संगठन के लिए, हमारे लक्ष्य के लिए काम कर रहे हैं और करेंगे। अब वो अलग भूमिका में होंगे, हर काम को कार्यकर्ता और हर कार्यकर्ता के लिए काम, लेकिन हमारे यहाँ ये पद्धति ही नहीं है कि एक प्यार आदमी बन गया तो वो अजन्म बने रहेगा, कांग्रेस के अध्यक्ष जो है सोनिया जी का परिवार रहेगा तो रहेगा जी, मध्य प्रदेश का अध्यक्ष दिग्विजय सिंह जी के सारे पे बनता है तो बनता रहेगा, ऐसा हमारे यहाँ नहीं संभव है। हमारे यहाँ तो व्यक्ति बदलेगा, नया व्यक्ति का सामने आएगा और नया व्यक्ति नए तरीके से काम करेगा। जी ठीक है सर, लेकिन अब क्या आपको लगता है कि अब नई टीम आ गई है? चूंकि ये बार बार कहा जाता है कि बीडी शर्मा के आने के बाद बीजेपी में सब कुछ अच्छा घट रहा है, तो 2021 में क्या लगता है आपको सर, क्या चुनौती होगी और उस टीम के जरिए चुनौती को पार किया जा सकता है? चुनौती एक ही है, इस बार मध्य प्रदेश है, उसकी आस अपेक्षा के अनुरूप हमारी सरकार काम करे। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का जो पथ हमको माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिखाया है जी, वो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उसकी तरफ हम बढ़े। अब कांग्रेस मध्य प्रदेश के अंदर अप्रासंगिक संगठन और दल, ना विपक्ष के रूप में कोई भूमिका है, ना संगठन के रूप में सत्ता के रूप में भूमिका है, वो अप्रासंगिक राजनीतिक दल है, कुछ 2-4-10 गुटों में बटा हुआ राजनीतिक दल है जो धीरे धीरे शने शने अस्तित्वहीन हो रहा है। अब भारतीय जनता पार्टी के सामने जो चुनौती है वो स्वयं से बेहतर करने की है, तो 2020 से अच्छा हम 2021 में करेंगे, मध्य प्रदेश की जनता की सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे और मध्य प्रदेश को माफिया मुक्त और जिस जो चुनौतियां हमारी सरकार ने ली है उनको करके हम 2021 का सपना साकार करेंगे। ठीक है, मैं रुख करता हूँ ब्रजेश जी का। ब्रजेश जी, बार बार ये कहा जा रहा है और दिग्विजय सिंह ने भी कहा कि अब युवाओं को कमान मिलनी चाहिए, चाहे वो नगरीय निकाय चुनाव की बात उन्होंने कही हो, तो उम्मीद कर सकते हैं कि जब कभी भी आप बदलाव करेंगे तो उसमें नए चेहरे, जिस तरीके से बीडी शर्मा की टीम में नए चेहरे दिखाई दे रहे हैं, वही नए चेहरे आपकी पार्टी के भीतर से भी, जिस चेहरे को बदलना है पहले वही चेहरा बदल ले, कमलनाथ जी से आगे निकलने की हैसियत नहीं है कांग्रेस संगठन की। देखिए ऐसा है अमीन जी, हमारे मित्र बड़ी लंबी चौड़ी बातें कर रहे थे, बड़ी लंबी चौड़ी बातें करने में उनकी तेजी है। मैं तो इतना कहना चाह रहा हूँ, देश की सर्वोच्च अदालत माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हार्ड शूटिंग को लेकर के डायरेक्टिव दिया था कि कर्नाटक में, आसाम में, महाराष्ट्र में, गोवा में, हरियाणा में, मध्य प्रदेश में, जिस तरह से आपने जोर शोर के माध्यम सरकारें बनाई है, लोकतंत्र की सूचना के लिए अच्छा नहीं है, पहली बात। दूसरी महत्वपूर्ण बात मैं आपके माध्यम से ये कहना चाह रहा हूँ, ये जान ले पहले कि हमारे मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अंदर चाहे उपाध्यक्ष हो, चाहे जनरल सेक्रेटरी हो, चाहे सेक्रेटरी हो, चाहे प्रवक्ता हो, चाहे जिस पद में जो भी ऑफिस बिल्डर बैठे हुए हैं, अधिकतर चेहरे युवा हैं और युवाओं के युवा हमारे नेतृत्व जो था, आदरणीय राहुल गांधी जी के पूर्व कांग्रेस पार्टी के पूर्णकालिक अध्यक्ष थे, उन्होंने अपनी मर्जी से इस्तीफा दिया था। हमारे यहाँ युवाओं को हमेशा आगे बढ़ाने की बात चली रही और इसी तारतम्य में ज्योतिरादित्य सिंधिया जब कांग्रेस में थे,
सचिन पायलट जी, उत्तराजी सिंधिया जी, नवीन मिलिंद देवड़ा जी, नवीन जिंदल जी, आदरणीय रणदीप सिंह सुरजेवाला जी, सारे कई सारे नक्षण राज कई सारे युवाओं को ही मौका मिला था। तो कांग्रेस तो हमेशा युवाओं को आगे करके ही राजनीति करती है। इनके यहाँ तो उनके यहाँ तो डायनेस्टी से भी खतरनाक परंपरा चल रही है। नरेंद्र मोदी जी, उसके बाद अमित शाह जी, उनके समर्थक लोग ही आ रहे हैं। आज तो इनके यहाँ संघ प्रासंगिक हो गया है। आरएसएस सिर्फ इनके लिए दिखावे के लिए रह गया। जो आरएसएस कभी इनके यहाँ एक अच्छे स्कूल के हेडमास्टर की तरह कार्य किया करता था, आज वो आरएसएस अप्रासंगिक हो गया है। ये सिर्फ इनके यहाँ दिखाने को कुछ और है, खाने को कुछ और है। यही बात गोविंदाचार्य जी ने कहा था। गोविंदाचार्य जी ने तो खुल करके कहा था कि भाजपा के अंदर मुखौटा कुछ और होता है, अंदर की बातें कुछ और होती हैं। मैं समझता हूँ कि सुमित ओरछा जी को ये बात अच्छी तरीके से समझना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी जो है जो भी बात करती है उस पर अंत तक डिगी रहती है। कांग्रेस पार्टी भरपूर लवरेज के साथ मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी के नेतृत्व में हम लोग स्थानीय निकाय का चुनाव लड़ेंगे, नगर पंचायत का चुनाव लड़े जाएंगे, पंच सरपंच चुनाव लड़े जाएंगे और हर चुनाव में हमको सफलता प्राप्त होगी, हम लोग यही उम्मीद करते चलते। लेकिन सर बार बार ये कहा जाता है, मेरा चूंकि समय का भी थोड़ा सा अभाव है, मैं चाहूंगा संक्षिप्त में आप जवाब दें। आपकी पार्टी के नेता ही मानते हैं कि, और खुद कमलनाथ ने भी ये कहा कि कांग्रेस का सामना जो है बीजेपी के एक मजबूत संगठन से है, तो सर मजबूत संगठन उसमें अब ये नई टीम का जो ऐलान किया गया है, युवाओं का जोश इसमें दिखाई दे रहा है, तो ये आने वाले दिनों में आपके लिए और समस्या खड़ी कर सकता है? बिल्कुल समस्या नहीं है हमारे यहाँ। देखिए ऐसा है, आदरणीय कमलनाथ जी के पहले युवा चेहरे के रूप में आदरणीय अरुण यादव जी मध्य प्रदेश, अमीन भाई इनका कुछ नहीं बिगड़ सकता, इनका अरुण यादव जी हमारे मध्य प्रदेश कांग्रेस में। सुमित जी मैं आऊंगा आपके पास में। सुमित जी जब आपको टाइम मिले तब आप बोले। देखिए ऐसा है कि हमारे अरुण यादव जी मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हुआ करते थे, इसके पहले भी युवा अध्यक्ष हुआ करते थे। मैं समझता हूँ कि कांग्रेस पार्टी हमेशा युवाओं को नेतृत्व देकर के उनको गुरुत्तर दायित्व देकर के पार्टी के अंदर संपूर्ण जिम्मेदारी का निर्वहन करने का दायित्व देती है। और दूसरी बात अमीन जी, एक महत्वपूर्ण बात मैं आपके माध्यम से कहना चाह रहा हूँ कि देखिए हमारे यहाँ, मैं बार बार कह रहा हूँ, हमारे यहाँ का जो संगठन है इनसे ज्यादा बेहतर है, इनसे ज्यादा मजबूत है। हमारे यहाँ भी मंडला में स्तर पे हमारे यहाँ ये दिखाने के लिए पन्ना प्रमुख रखते हैं, पन्ना प्रमुख को ये लोग फाइनेंशियली मजबूत करते हैं। ऐसा नहीं, हमारे यहाँ जो कार्यकर्ता है वो पार्टी के कार्यकर्ता है, वो समर्पित कार्यकर्ता है। हमारे यहाँ मंडला में, सेक्टर में, बूथ में, हर जगह कांग्रेस के कार्यकर्ता है और हर कार्यकर्ता जो है वो अपने आप को आदरणीय राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी, कमलनाथ जी की तरह कार्यकर्ता है। ठीक है, इसी पे मैं कमेंट से लेता हूँ। सुमित जी, बीजेपी कांग्रेस का ये कहना है कि हमारा संगठन भी आपके मुकाबले इतना हल्का नहीं है कि आप को आसानी से वॉक ओवर मिल जाए। आने वाले जो नगरीय निकाय चुनाव है उसमें टक्कर बराबर की होगी सर। मैंने बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं ब्रजेश जी की बात से बहुत सहमत हूँ कि इनका संगठन बिल्कुल कमजोर नहीं है और बहुत मजबूत है देश के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर, और इतना ही मजबूत और बना रहे, मैं ऐसी शुभकामनाएं इनको देता हूँ। अगर इसे मजबूत मान करके प्रसन्न है तो मैंने शुभकामना देता हूँ कि ये इनकी अगर मजबूती की परिभाषा यही है, जो भी प्रदेश प्रभारी आता है उसकी इसके कार्यकर्ता थोड़ा ही कर देते हैं, मजबूत तो काफी है। ईवीएम के भरोसे बूथ टूटने वाले लोग क्या हम लोग सर्टिफिकेट देंगे यार? आप लोग तो ईवीएम के भरोसे, अमीन भाई जो भी प्रदेश प्रभारी आता है उसको हम लोग ईवीएम के माध्यम से ही पटवा देते हैं। शर्मा नहीं चाहिए, आप अपने प्रदेश प्रभारी के साथ बदतमीजी करते हैं आपके कार्यकर्ता, आप कह रहे हैं संगठन मजबूत है, संगठन हो और ये पिटाई जो है आपकी राष्ट्रीय अध्यक्ष तक पहुंचे, मैं ऐसी शुभकामनाएं देता हूँ। चलिए चलिए, समय का अभाव इसलिए आखिरी सवाल सुमित जी मैं आपसे ही ले लेता हूं सर, कि बीजेपी में विरोध न पनपे, जिन लोगों को हटाया गया है उनके विरोधी स्वर आने वाले समय में आपके लिए नुकसान न करें, और जिस तरीके से सिंधिया समर्थकों की हम बात कर रहे हैं, भले ही आप कहते हैं कि बीजेपी का एक ही गुट है वो बीजेपी खुद है, लेकिन सर आने वाले समय में अगर यहाँ कुछ विरोधी स्वर जैसे कि अजय विश्नोई लगातार विरोधी बात कर रहे हैं, अगर संगठन से भी ऐसी कोई बात निकलती है तो फिर आने वाले दिन तो और मुश्किल भरे हो सकते हैं आपके लिए। इस तरह के कयास अपन लोग और आप लोग खास करके 28 उपचुनाव के दौरान भी लगा रहे थे, सिंधिया जी जब आए भारतीय जनता पार्टी में तब भी लगा रहे थे, सर मैंने तो नाम उपचुनाव के दौरान भी लगा रहे थे, फिर मंत्रिमंडल विस्तार पर भी लगा रहे थे, आगे भी लगाते रहिए, लेकिन यह सिर्फ कयास है, इसका धरातल पर कोई वास्ता नहीं है सत्यता से। भारतीय जनता पार्टी
स्वयं के लिए नहीं राष्ट्र के लिए काम करने वाला संगठन है, और इसलिए हमारे यहाँ ना उपेक्षा ना अपेक्षा, यहाँ सेवा का भाव है। जिसको अवसर मानेंगे इनके यहाँ भी बहुत सारे गुट चलते हैं, हमारे यहाँ संगठन है ग्रोह नहीं है, शिवराज सिंह का गुट चलता है, चलिए ग्रोहों में दिखाई देता है, कौन सा गुट चलता है, प्राथमिकता होती है, इसे पूरी तरह भर चलिए ठीक है पार्टी। ठीक है सर, समय का अभाव था। सुमित ओरछा जी, जय श्री राम भाई साहब, ब्रजेश पांडे जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस खास प्रोग्राम में जुड़ने के लिए। तो जाहिर सी बात है कि लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं, जो बीडी शर्मा की नई टीम का ऐलान हुआ है उसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थकों को क्यों शामिल नहीं किया गया, जबकि सरकार में शिवराज सिंह की चौहान की टीम में कई मंत्री सिंधिया समर्थक हैं, और उम्मीद की जा रही थी कि जब बीडी शर्मा की टीम का ऐलान होगा तो उनकी टीम में भी ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थकों को लिया जाएगा। बहरहाल सबसे बड़ी बात यही है कि टीम का ऐलान हो गया है, 90% के आसपास नए चेहरों को मौका दिया गया है, और जाहिर सी बात है कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से विष्णुदत्त शर्मा संघर्ष करते आए हैं, यहां तक कि आज वो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बन गए हैं, और खासतौर पर युवा मोर्चा का जिसे अध्यक्ष बनाया गया है वो भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से आते हैं। तो अब ये देखना होगा कि 2021 में नई टीम के जरिए किस तरीके से आने वाले दिन, खासतौर पर नगरीय निकाय चुनाव में कैसा प्रदर्शन बीडी शर्मा कर पाते हैं, क्योंकि पिछली बार की अगर बात कर ली जाए तो 16 की 16 नगर निगम बीजेपी के पास थी, क्या इस बार अपनी नई टीम के जरिए विष्णुदत्त शर्मा पुराना वाला रिजल्ट दोहरा पाते हैं। आज फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए साधना न्यूज़।